मामला पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। लाहौर में मुस्बत केसेस की शराब 20 फीसद तक जा पहुंची। एक ही दिन मजीद 28 मरीज दम तोड़ गए। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यासमीन राशिद कहती हैं कि लाहौर में मजीद 23 नए वेंटिलेटर्स लगा रहे हैं। कोरोना मरीजों के लिए 2310 नए बेड्स का इजाफा कर दिया। पंजाब में ऑक्सीजन की सूरत हाल बेहतर है। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर आने के लिए बसें चलाएंगे। कोरोना मरीज बढ़ने पर लॉकडाउन का दायरा कार वसी। शहर के मजीद 15 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। अलामा इकबाल टाउन के 2 इलाके और अजीज भट्टी जोन के 7 इलाके शामिल। गुलबर्ग जोन, दाता गंजबख्श टाउन और कैंट के भी 2-2 इलाके थे। मॉडल टाउन, एस्ट ब्लॉक, गार्डन टाउन के अबूबकर ब्लॉक में भी स्मार्ट लॉकडाउन। 15 इलाकों के दाखिली खारजी रास्तों को सील कर दिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन 7 मई तक नाफिज रहेगा। सुबह भर में लगे स्मार्ट लॉकडाउन में भी 17 मई तक तौसी कर दी गई। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। कोरोना से बचाव के इकदाम तेज। 2 शिफ्टों में वैक्सीन लगाने का अमल जारी। चीनी वैक्सीन साइनोफार्म 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को लगाई जाने लगी। रजिस्टर्ड शहरियों को घरों के नजदीक तरीन सेंटर्स पर आने की हिदायत। शहर में एक्सपो सेंटर, एलडीए कॉम्प्लेक्स, बोल्टन और पीकेएलआई में सेंटर्स कायम। शहरियों की सहूलत के लिए अमले की तादाद को भी बढ़ा दिया गया। चीनी के हसूल के लिए 2 घंटे इंतजार। बाटापुर रमजान बाजार में मर्दों खवातीन का रश। कुर्सियां कम होने से खवातीन कतारों में खड़ी होने पर मजबूर। शहरियों की सब्जियों और फलों की नाकिस क्वालिटी और नापतोल में कमी की भी शिकायत। रश के बायस समाजी फासले की भी धज्जियां उड़ा दी गयी। शाहजरा रमजान बाजार में आलू प्याज की दुकानों पर भी कतारें लग गयी। आटे के हसूल के लिए भी शहरियों का रश लगा रहा। कोरोना वबा में सस्ती खरीदारी शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। रमजान बाजार में अशिया मार्केट से 25 फीसद सस्ती हैं। सस्ते आटे की फरहमी पर 240 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। रमजान बाजारों और खुली मार्केटों की मुकम्मल मॉनिटरिंग की जा रही है। आम आदमी के हक के तहफ्फुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की अपने हलके में शहरियों से गुफ्तगू। ओपन मार्केट में चीनी की फराहमी और कीमत में बेहतरी नहीं आई। मखसूस दुकानों पर चीनी सरकारी रेट 85 रुपए में फी किलो दस्तयाब। आम दुकानों पर चीनी की बदस्तूर किल्लत, 110 रुपए किलो बिकने लगी। सरकारी कोटे पर गंदम की फराहमी दोबारा शुरू कर दी गई। मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए में दस्तयाब। सरकारी कोटे की गंदम 1300 और आम मार्केट में गंदम का फीमन रेट 1900 रुपए मुकर। रमजान मुबारक में पोल्ट्री मसनूआत पहुंच से बाहर। ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई फिर मुतासिर। मुर्गी का गोश्त 7 रुपए फी किलो मजीद महंगा। चिकन 364 रुपए किलो फरोख्त। अंडों की कीमत में भी मुसलसल इजाफा। 1 रुपए दर्जन कीमत बढ़ने से 145 रुपए किलो बिकने लगे। सब्जियों की बढ़ती कीमत को भी ब्रेक न लगी। सरकारी रेट लिस्ट में 8 सब्जियाँ महंगी हो गई। प्याज 21, टमाटर 36, लहसुन 157, अदरक 315 रुपए किलो दस्तियाब। शेरांवाला गेट के मकाम पर फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा। फ्लाईओवर की तामीर से कबल कॉन्ट्रैक्टर्स का प्री बिड इजलास मुकम्मल।
टेंडर्स खोलने का इनेकाद एलडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कल होगा। फ्लाईओवर और ड्रेन सिस्टम की तामीर के लिए 3 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। और बारिशों का सिलसिला ख़त्म होने के बाद सूरज आबोताब से चमकने लगा। आइंदा चंद रोज तक शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान।